औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब हरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब के लिए आसानियां पैदा करे, आप सबको आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्टीयरिंग एंगल सेंसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। स्टीयरिंग एंगल सेंसर के ऊपर बात करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इस इन्फॉर्मेशन से ज्यादा लोग, दूसरे लोग जो इस फील्ड से रिलेटेड है, फायदा हासिल कर सकें। स्टीयरिंग एंगल सेंसर, टोयोटा और निसान की जितनी भी फोर व्हील गाड़ियां हैं जिनके अंदर ईपीएस नहीं है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग नहीं आता, उनके अंदर जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर की लोकेशन है वो आपको स्टीयरिंग की जो हॉर्न कॉइल है, ये भी मैंने एक गाड़ी की रिप्लेस किया, उसके बिल्कुल पीछे आपको स्टीयरिंग एंगल सेंसर मिलेगा। ये आप देख सकते हैं तीन स्क्रू लगे हुए हैं और ये एक प्लेट है, ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर की है। इसका जो वायरिंग का ग्रिप है वो अलग से आएगा और जो एयर बैग हॉर्न कॉइल के ग्रिप जो दो होंगे वो अलग से आएंगे। स्टीयरिंग एंगल सेंसर जितनी भी निसान और टोयोटा की फोर व्हील गाड़ियां जिनके अंदर ईपीएस नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग नहीं है, उन गाड़ियों के अंदर जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है उसकी लोकेशन हॉर्न कॉइल जो है आपके स्टीयरिंग के अंदर आती है उसके बिल्कुल नीचे आएगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर करता क्या है, उसके लिए मैंने एबीएस को लाइव डाटा ओपन किया। स्टीयरिंग एंगल सेंसर के बारे में जब भी कोई कोड बनेगा या इसके रिलेटेड कोई फॉल्ट होगा तो वो फॉल्ट आपको मिलेगा एबीएस के अंदर जाके। एबीएस के अंदर मैंने लाइव डाटे के अंदर स्टीयरिंग एंगल सेंसर को सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट करूंगा आप देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग चेंज हो रही है। जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग को लेफ्ट करता हूं तो इसकी पोजीशन, इसका स्टीयरिंग का एंगल चेंज होगा, जैसे ही मैं इसको राइट की तरफ टर्न करूंगा तो स्टीयरिंग का जो एंगल है वो चेंज होगा। अगर आप एबीएस का लाइव डाटा ओपन करते हैं और ये रीडिंग नहीं चलती, इसका मतलब है आपका जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो खराब है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी एबीएस की लाइट भी ऑन हो जाएगी, ट्रैक्शन सिस्टम भी आपका उसकी भी लाइट ऑन हो जाएगी। स्टीयरिंग एंगल सेंसर आपकी स्टीयरिंग की जो पोजीशन है, यानी वो कितने एंगल पे लेफ्ट को उसने टर्न किया और कितने एंगल पे राइट को उसने टर्न किया, ये पोजीशन जो है ये एबीएस को बताता है कि स्टीयरिंग की ये पोजीशन है। ये फंक्शन है बिल्कुल सिंपल वर्ड के अंदर मैंने आपको समझाया बिल्कुल देसी तरीके के साथ कि इसकी लोकेशन किधर है और इसका काम क्या है। आसान लफ्जों में समझने के लिए कि ये स्टीयरिंग हम जब लेफ्ट और राइट मूव करते हैं तो जितने एंगल पे ये मूव होता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर उस पोजीशन को नोट करके एबीएस को अपने सिग्नल के जरिए बताता है कि ये पोजीशन है। लोकेशन भी मैंने आपको बता दी, इसकी वर्किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसकी वायरिंग के बारे में, निसान गाड़ी के अंदर इसकी वायरिंग डायग्राम जो है वो मैं डाटा के अंदर ओपन करूंगा और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी वायरिंग के बारे में भी आपको बता दूंगा, ताकि इस स्टीयरिंग एंगल सेंसर को समझने के लिए मजीद आसानी हो जाए आप लोगों को। जी फ्रेंड्स, स्टीयरिंग एंगल सेंसर की वायरिंग डायग्राम मैंने ओपन कर ली है ऑल डाटा के अंदर। ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर आप देख सकते हैं मेरे सामने, इसकी पांच वायर है, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 वायर है इसकी। स्टीयरिंग एंगल सेंसर की 2 नंबर और 8 नंबर जो तार है इसके ऊपर, एक के ऊपर बैटरी से फ्यूज आ रही है यानी डायरेक्ट करंट है, 10 एम्पीयर का फ्यूज है, और दूसरा जो इसकी चाबी स्विच की जो करंट है इसके ऊपर 10 एम्पीयर फ्यूज से, यानी एक डायरेक्ट करंट आ रही है और एक चाबी स्विच की करंट सेंसर के ऊपर आ रही है। एक तार स्टीयरिंग एंगल सेंसर से मीटर की तरफ जा रही है और 2 तारें 3 नंबर और 4 नंबर जो इसकी तारें हैं वो सीधा जो जा रही हैं स्किड कंट्रोल यूनिट एबीएस यूनिट के ऊपर। डाटे की तारें जिन तारों से डाटा कन्वर्ट करता है कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर कितना लेफ्ट है कितना राइट है, जो भी रीडिंग स्टीयरिंग एंगल सेंसर की आउट रीडिंग जो होती है वो एबीएस को
मिल रही है, जिसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्कैनर के अंदर आपके सामने शो किया कि जब हम लेफ्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन स्टेरिंग की, और जब हम राइट करते हैं उसकी पोजीशन जो है वो एबीएस यूनिट को ये शो करता है, स्टेरिंग एंगल सेंसर। ये आज जो मैंने आपके साथ लोकेशन और थोड़ी सी वायरिंग शेयर की, एक दफा मैं फिर रिपीट कर दूं, ये उन गाड़ियों के अंदर, निसान और टोयोटा की उन गाड़ियों के अंदर जो फोर व्हील है और जिनके अंदर ईपीएस नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेरिंग जो जिनके अंदर नहीं है, ये उन गाड़ियों के अंदर स्टेरिंग एंगल सेंसर की लोकेशन है, और ऐसे ही मिलते जुलते कनेक्शन होते हैं टोयोटा के अंदर भी और निसान के अंदर, और सेम ऐसे ही ये तमाम जापानीज गाड़ियों के अंदर इसकी वर्किंग होती है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने के लिए मिला होगा। दुआओं में याद रखिए, 5 वक्त नमाज पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने गरीब दोस्तों गरीब रिश्तेदारों का भी खास तौर पर ख्याल रखें, अल्लाह ताला की जात को अपनी जिंदगी के अंदर सीरियस लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।